ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां संबित पात्रा के बयान पर कांग्रेस ने दिया बड़ा बयान तो भाजपा ने किया पलटवार। आगे बात करेंगे धौलपुर की, जहां दारानगर कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आगे चर्चा होगी सूरजपुर की, जहां जनपद सदस्य ने पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा बनाई जा रही सड़क में अनियमितता को लेकर कलेक्टर से की शिकायत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के बयान पर सियासी सरगर्मी तेज है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर देश भर में कांग्रेस निशाना साध रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति कहां पीछे होने वाली थी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने संबित पात्रा के बयान पर पलटवार किया। इसको लेकर कांग्रेस ने संबित पात्रा को निष्कासित करने की मांग की। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस का चेहरा ही भ्रमित चेहरा है। उन्होंने कहा कि सलमान खुद ही कहते हैं राहुल गांधी भगवान राम से बड़े हो गए। राहुल गांधी कहते हैं कि शक्ति से उनकी लड़ाई है। राहुल गांधी कहते हैं कि राम नहीं है, जब आत्मा परमात्मा है तो हर व्यक्ति में राम और कृष्णा है। देखिए, निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्राइम के ऊपर वज्रदंड चलाती है। डॉक्टर मोहन यादव जी यशस्वी मुख्यमंत्री है। महाराजा विक्रमादित्य की बात ही, उनका प्रशासनिक क्षमताएं कुशल है और जब भी जरूरत होती है तो वह मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए तो मुरली बजाते हैं, बंसी बजाते हैं और सैकड़ों योजनाओं के द्वारा उसका लाभ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो दुष्ट हैं, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर मुष्टि का प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर वज्रदंड का प्रहार कर रहे हैं, उनके ऊपर सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, या कहें तो बुलडोज कर रहे हैं। बुलडोजर चलते रहते हैं, आगे भी चलते रहेंगे और निस्संदेह कहीं ना कहीं मैं कहूं अपराधियों को बल देने वाले का जो काम है वह कांग्रेस करती है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वह देखिए जाते हैं पीड़िता से मिलते हैं, रेप पीड़िता के परिवार से उनकी सारी पहचान उजागर कर देते हैं और तो और महिला विरोधी कमेंट करते हैं और एक ऐसी महिला है उनके के लिए उनके उसमें चाशनी और रस ढूंढने लगते हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर FIR हुई है। तो ये अपराध को बढ़ावा देने वाले कौन लोग हैं, अपराधी की कृत्य करने वाले कौन है, कांग्रेसी है। जीतू पटवारी जी और कांग्रेस को क्षमा याचना करनी चाहिए। भोपाल से सीनियर संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। सेंट्रल जेल के बाहर हुए मर्डर के फरार आरोपी गिरफ्तार। 72 घंटे के अंदर गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। वारदात में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार, तलाश जारी है। 9 आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। पुरानी रंजिश को लेकर 2 युवकों पर किया था धारदार हथियार से वार। मौके पर सुरेंद्र कुशवाहा की मौत हो गई थी। मृतक अपने साथी के साथ पैरोल पर बाहर आए बदमाश सतीश खरे को छोड़ने पहुंचा था। टीटी नगर क्षेत्र के पंचशील के रहने वाले हैं सभी आरोपी। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। गांधीनगर और टीटी नगर क्षेत्र में निकाला गया आरोपियों का जुलूस। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गांधीनगर थाना प्रभारी सुनील मेहर के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी क्राइम ब्रांच और गांधीनगर की पुलिस। भोपाल से सीनू संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने दारानगर कॉलोनी में हुई चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। चोरी के मामले की जांच कर रहे थाने के ASI सुरेश सिंह ने बताया कि 26 अप्रैल को चोरों ने दारा सिंह नगर में ब्रजकिशोर और जयशंकर के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर दोनों के घर से 79,000 रुपये की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए थे। ASI ने बताया कि मुखबिर से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने चोरी के दोनों आरोपी रूप किशोर उर्फ बच्चा पुत्र राम सिंह कुशवाहा निवासी आगरा के साथ लोकेंद्र पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी आगरा को गिरफ्तार किया है। घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी प्रमेंद्र रावत ने बताया कि चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है जिनसे और भी कई वारदातों के खुलने की संभावना जताई जा रही है। धौलपुर से सीनू संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के विकासखंड भयाथान क्षेत्र का मामला है, जहां क्षेत्र क्रमांक 19 के जनपद पंचायत सदस्य रागनी प्रजापति ने PWD विभाग के द्वारा बनाए जा रहे सड़क की अनियमितता की लिखित में शिकायत की है। जनपद सदस्य रागनी प्रजापति ने बताया कि मेरे जनपद सदस्य क्षेत्र धरती पारा से बूरा ग्राम होते हुए झूमर पारा तक PWD विभाग के द्वारा डामरीकरण सड़क का निर्माण जा रहा है। सड़क का निर्माण निविदा प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है। सड़क के साइड शोल्डर में मिट्टी मोरम की जगह चिकनी मिट्टी डाली जा रही है, जो नियम के विपरीत है।
उन्होंने शिकायत में लिखा है कि सड़क का निर्माण कार्य लगभग 80% पूर्ण हो चुका है, परंतु पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कहीं पर कोई सूचना पटल नहीं लगाया गया है। ऐसे में जनपद सदस्य के द्वारा कलेक्टर सूरजपुर से सड़क निर्माण गुणवत्ता की जांच कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। सूरजपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। मामला अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर है। आजमगढ़ जिले के खारीवा मोड़ पर जिस प्रकार से भगदड़ हुई, उसको लेकर आजमगढ़ के राजनीतिक विश्लेषक साजिद खान आजमी ने कार्यक्रम की निंदा करते हुए कहा कि बगल में मदरसा था जिसका एहतराम समाजवादी पार्टी को करना चाहिए था। वहां पर अश्लील गाना बजाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आजमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लोगों के बीच सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल बन रहा है, इस सरकार की विदाई लगभग तय है। बहुत ही छोटा काम किया गया है, खास तौर से माइनॉरिटी बिल्डिंग का जो प्रोग्राम लगाया गया है अखिलेश जी का, सरायमीर के ऐतिहासिक जमीन पर जहाँ पर मदरसा है, फैजुलूम है, मतलब काय मदरसे फैजुलूम, काफ़ी मदरसे यहाँ जो दीनी तालीम और वहाँ पर डांस कराया गया। और जो समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर मुसलमान रोटी देता है कि वहाँ कायम देता है, कैसे देता है, मगर इस तरह का डांस मैं तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये सरजमी अलामा सभी जमानी की सरजमी है, हरिओम की सरजमी, एक ऐसी आदमी की सरजमी, हमें दुनिया फर्राई की सरजमी है, जमीन किसी की मोहताज नहीं है, किसी के मतलब इल्म के बारे में अकबाल शेर साहब का शेर है कि खत्ते आजमगढ़ में फैजान तसली है अक्सर, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नहीं अरे आजम होता है, आजमगढ़ किसी पर से किसी का मोहताज नहीं है, यहाँ से लोग दुनिया में जाए नाम कमाए इल्म के जरिया, सरजमी पर ऐसी जगह पर इन्होंने डांस कराया, ये बहुत ही छोटा काम समाजवादी पार्टी ने किया है, इसको आइंदा इसको ख्याल करना चाहिए। वहाँ क्या है कि जब लड़के आएंगे तो उत्तर करेंगे अखिलेश पार्टनर देखने के लिए, अखिलेश जी को देखने उत्तर होती है, उसके बाद भी पुलिस वालों से किया क्या किया तो मालूम नहीं, पूरी पता चला है कि वहाँ भगदड़ मची, पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है जी। और भाई जब आदमी कोई नेता आता है, राष्ट्रीय नेता आता है, तो उत्साह रहता है जनता का, किसी भी दल का होता है लोग उसमें कुछ ना कुछ हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के झिंगुरियापुर गांव में खेत पर जबरदस्ती काम पर ले जाने और युवक के मना करने पर बेल्टों से मारपीट करने के मामले में सदर पुलिस के सहयोग से सीओ ऑफिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि सीओ नरेंद्र कुमार पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। धौलपुर से सीनियर संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। हरदोई के हत्या तीर्थ के बाजार का मामला, अचानक कुएं में गिरा सांड, स्थानीय लोगों ने डायल 112 को फोन कर दी सूचना। मौके पर पहुंची डायल 112 ने कुएं में समर से पानी भरवाकर सांड की जान बचाई। मौके पर सुनील शुक्ला, विनय सिंह, संजय छोटेलाल, राजू, अंकित, राज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। हरदोई से सीनियर संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। 23 मई को गृह मंत्री अमित शाह के पट्टी आगमन का प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने पट्टी नगर तरदाहा के समीप विशाल मैदान में चल रहे तैयारियों पर जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उनके साथ नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। अमित शाह जी का आगमन होने जा रहा है 23 तारीख को पट्टी विधानसभा में, क्या तैयारियाँ चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, देश के गृह मंत्री, ये हम सबका सौभाग्य है कि उनका आगमन पट्टी की पावन धरती पर हो रहा है। जनता में उनके स्वागत के लिए बड़ा उत्साह है। कल उनका आगमन जब होगा तो पट्टी की जनता अपार उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगी और उनके संबोधन को सुनेगी। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में और उनके समर्थन में विचार की दृष्टि से पधार रहे हैं, इस पावन धरती पर उनका हृदय से स्वागत। पट्टी की जनता से अपील क्या है? पट्टी की जनता से ये अपील है कि उनकी धरती पर देश के गृह मंत्री का आगमन हो रहा है, उनके आंगन में हो रहा है, अधिक से अधिक संख्या में वो पधार कर इस कार्यक्रम को भी सफल करेंगे और उनका भव्य स्वागत करेंगे, उनसे हाथ जोड़ के अपील। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले प्रयागराज पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा एनडी गठबंधन का एजेंडा है आर्टिकल 370 और सीएए विपक्षी एनडी गठबंधन का एजेंडा है।
इंडी गठबंधन वालों को हमारे सुशासन और आस्था से 36 का आंकड़ा है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ का पीएम ने हवाला दिया, कहा सपा और कांग्रेस के समय में जब कुंभ होता था तो भगदड़ मच जाती थी, विपक्षी दलों को कुंभ से ज्यादा अपने वोट बैंक की चिंता रहती थी, वोट बैंक बुरा न मान जाए इसलिए कुंभ की व्यवस्था भी नहीं करते थे, सपा और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कंपटीशन होता था। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।